बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एवरीडे साइंस का लेक्चर नंबर 30 स्टार्ट करेंगे और हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमन ईयर, कि हमारे कान की बनावट क्या है और ये फंक्शन कैसे करता है। गो के ये थोड़ा सा टॉपिक, थोड़ा सा तो नहीं कहूँगा, काफ़ी टिपिकल है, लेकिन हम फिर इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमारा जो अल्टीमेटली मकसद, हम कोई डॉक्टर नहीं बनने जा रहे, हमने सिर्फ और सिर्फ इसको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर इसमें से कोई एमसीक्यूज आते हैं तो हमें कान के मुतालिक पूरी स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और इसकी फंक्शनिंग के मुतालिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो हमारा मेन क्या है कि CSS में अगर लेट्स सपोज आपको इसका कुछ टॉपिक लिखना पड़े या कहीं MCQs अटेम्प्ट करने पड़े तो आप इसको कवर कर सकें। तो हमने इस एंगल से इसको पढ़ना है, लेकिन इंशाल्लाह जब ये हमारा 10-15 मिनट का लेक्चर ख़त्म होगा तो आपको इसकी कंप्लीट वर्किंग का पता चल चुका होगा। तो बनावट के लिहाज से बात करें तो इस पूरी पिक्चर पर हम पहले गौर करते हैं, उसके बाद छोटी सी एक जो है वीडियो हम देखेंगे जिससे आपको सारी फंक्शनिंग मैं समझाऊंगा कि ये फंक्शन कैसे करता है। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ये एक आउटर ईयर होता है जो हमें विजिबल होता है सामने से, और इसके बाद दरमियान में जो फंक्शनिंग इसकी हो रही होती है वो मीडियल ईयर में हो रही होती है, और मज़ीद जो आगे चल के इसकी फंक्शनिंग हो रही होती है वो इनर ईयर में होती है। अच्छा, आउटर ईयर की बात करें तो यहाँ से साउंड इन होती है और यहाँ से ये जो ईयर कैनाल है इससे होते हुए यहाँ पे ईयर ड्रम है, यहाँ पर ईयर ड्रम तक जाके ये टकराती है, और ईयर ड्रम से जब आवाज़ टकराती है तो ये फड़फड़ाता है। तो इसके फड़फड़ाने से ये मेलियस है, यहाँ पे आगे चल के ये दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है मेलियस, ये हथौड़े की तरह इसकी शक्ल होती है, और ये इनकस होता है, दूसरा यहाँ पे ये आपस में टकराते हैं। जब टकराते हैं तो ये इनर हिस्से में ये तीन हिस्से हैं, मतलब ये इनर पार्ट जो है इसमें एक होता है मेलिस, दूसरा होता है इनकस, और ये होता है स्टेप्स। और स्टेप्स ये छोटी सी हड्डी होती है, इनके फड़फड़ाने से ये यहाँ पर टकराता है। किस से टकराता है? ये जो अंदर वाला जो इनर हिस्सा है इससे टकराता है, ये कोकिला है, और कोकलिया में ही सारी हमारी फंक्शनिंग हो रही होती है, और इसके बड़ी एक डीप स्ट्रक्चर है। अल्टीमेटली हमारी जो साउंड एनर्जी है यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। मैकेनिकल एनर्जी में कैसे बदलती है? मैकेनिक का काम क्या होता है? हथौड़ा वगैरह चलाना, आवाज़ वगैरह पैदा हो रही होती, तो यहाँ से ये हथौड़ा वगैरह जो चलने से एक मैकेनिकल एनर्जी पैदा होती है। यहाँ से ये जब इसमें लिक्विड होता है और लिक्विड की मूवमेंट से ये इसके अंदर हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे इंतहाई बारीक बाल होते हैं, वो इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, और यहाँ से आयन्स पैदा होते हैं, और ये जो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी थी यहाँ पे जाके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाती है, और यहाँ से ये जो नर्व सिस्टम है, मुख्तलिफ वेस्टिब्यूलर नर्व है, इसके अलावा फेशियल नर्व है, ऑडिटरी नर्व है, इनके थ्रू ये दिमाग तक जो है पैगाम जाता है, और दिमाग उसकी पहचान करता है ये कौन सी साउंड है, इसके रिएक्शन क्या करना है, वो आगे डिसीजन मेकिंग दिमाग में हो रही होती है। तो ये ओवरऑल जो आपने इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो आपने एक दफ़ा देख लिए हैं, अब हम इसकी तरह देखते हैं एक दफ़ा वीडियो, फिर इसके फंक्शनिंग को हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ से देखें, अभी कोई भी ह्यूमन बीइंग है तो आवाज़ कैसे कान में जाती है, यहाँ से आपको क्लियर नज़र आ रहा है, और इसकी बनावट ही कुछ ऐसे है कि कान का जो बैरूनी हिस्सा है आउटर ईयर, ये आवाज़ को कैप्चर करता है। इस तरीके से जब कैप्चर हो जाती है तो इन हो जाती है, जब इन जाती है तो आप ये देख रहे हैं कि ईयर कैनल से होते हुए ये ईयर ड्रम को हिट करती है। देखें अभी ईयर ड्रम कैसे फड़फड़ा रहा है। अब ईयर ड्रम जो है इसके फड़फड़ाने से ये हिट करता है मेलियस को, तो मेलियस जो है आगे हिट करता है इनकस को, और इनकस जो आगे हिट करता है स्टेप्स को। स्टेप्स सबसे जिस्म की जो इंसानी जिस्म के, ये अक्सर सवाल भी आता है, हड्डियों में सबसे छोटी हड्डी है ये, जब हिट करता है तो यहाँ पे ये हिट करता है कोकलिया जो है यहाँ पे, ये सारे लिक्विड से भरा होता है और स्पेशल किस्म का लिक्विड होता है जो सिर्फ़ और सिर्फ इंसान की बॉडी में सिर्फ इसी जगह पर मौजूद होता है, और इसके अंदर इंतहाई बारीक
बाल होते हैं वो आगे फंक्शनिंग शुरू कर देते हैं। ये देखें ये जो कलर हो रहा है ग्रीन, ये इन एक किस्म के इंतहाई नाजुक किस्म के बारीक बाल होते हैं और ये जो ह्यूमन प्रोसेस होता है सुनने का ये इंतहाई तेज़ी से हो रहा होता है कि हम एक बात को कितनी तेज़ी से सुनते हैं, दिमाग उसका रिएक्शन करता है। तो विद इन नैनो सेकेंड्स में ये सारी फंक्शनिंग हो रही है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो इंसानी कान है वो 20,000 हर्ट्ज़ से लेके 20 हर्ट्ज तक आवाज़ सुन सकता है। यहाँ पे अपर लिमिट 200 हर्ट्ज है जबकि 20 हर्ट्ज तक आवाज़ सुनी जा सकती है। तो यहाँ पे ये जो साउंड टकराती है और यहाँ से जो मैकेनिकल एनर्जी थी वो यहाँ से पैदा होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जब ये जो लिक्विड है इसको हिट करता है, इसकी जो वाइब्रेशन है उससे एयर जो है ये आयोन्स वगैरह ये यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, ये देखें जो जा रही है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की शक्ल में अब दिमाग की तरफ जा रहा है। दिमाग में ऑडिटरी नर्व जो हैं, फेशियल नर्व हैं और वेस्टिबुलर नर्व जो हैं, इनके थ्रू दिमाग को मैसेज जा रहा होता है जो भी रिसीव करता है दिमाग। तो उसके बाद दिमाग आगे से रिएक्ट करता है और इस तरीके से ये फंक्शनिंग हो रही होती है। अब इसकी हम फंक्शनिंग पढ़ते हैं, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेके 20K हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज तक ये सुना जा सकता है। इसके अलावा इंटेंसिटी 10 रेज टू पावर माइनस में लेके 10 टू, ये जो फैक्टर है इसको, ये फिल्ट्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, ये सारी कुछ इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना भी दिमाग का आगे काम होता है, लेकिन यहाँ पे जो कान में जो साउंड जा रही होती है आगे जाके इस पर डिसीजन मेकिंग होती है। तो ये फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये एक हमारे कान की रेंज होती है जहाँ तक साउंड सुनी जा सकती है, इससे जो ऊपर होती है वो हमें सुनाई देती नहीं देती। ये स्पीच की नॉर्मली इस रेंज में होती है जबकि म्यूज़िक इस रेंज में आ रहा होता है। और ये थ्रेशहोल्ड है यानी कि 20,000 ये जो 20,000 हर्ट्ज से आगे हमारा दिमाग नहीं सुन पाता। अच्छा, फिजियोलॉजिकली हम या साइको फिजिक्स इसकी अगर देखें तो कोई भी साउंड है कैसे ट्रैवल करती है। ऑब्जेक्टिव एंड क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ फिजिकल स्टिमुलाई एंड सेंसरी परसेप्शंस, ये यहाँ पे कान से टकराती है और यहाँ पे मिडल ईयर जो है वो फंक्शनिंग करने के बाद सारा ट्रांसफॉर्म करता है मैकेनिकल एनर्जी में और यहाँ पे हमारे दिमाग में जाता है। दिमाग जो है प्रोसेसिंग करता है और रिकॉग्नाइज करता है और सिलेक्शन करता है और उसका रिस्पॉन्ड करता है। ये ओवरऑल सुनने का एक प्रोसेस होता है। अगर आप इसके पार्ट्स को याद रखना चाहते हैं तो ये आपको जो पिक्चर है ये हेल्प साबित करेगी। यहाँ पे देखें नंबर 1 पे क्या पार्ट है, ईयर ड्रम है, और नंबर 2 पे कौन सा है, यहाँ पे देखें यहाँ पे 2 है ये वाला, और इसका 2 पार्ट जो हमारा है वो है मेलियस, और 3 नंबर पे पार्ट हमारा है इनकस, और इसके बाद 4 नंबर पे जो मैंने आपको सबसे बताया कि स्टेप्स जो छोटी हड्डी है वो इनर ईयर का हिस्सा बनती है। यहाँ पे आप ये देखें कि ईयर के जो मुख्तलिफ हमारी रेंज है, ये आउटर ईयर है, ये दरमियान में यहाँ पे तक जो है इनर ईयर है, और यहाँ से यहाँ पे मिडल है और यहाँ पे इनर ईयर है। तो ये मुख्तलिफ जितने भी हैं नंबरिंग भी इनकी हुई है, आप इसको याद भी रख सकते हैं कि जो हमारे कान के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जो काफ़ी, तो बाकी तो सारे काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट्स को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो आउटर ईयर में ऑडिटरी कैनल होती है और ईयर ड्रम होता है। मिडल ईयर में जो होता है हैमर जो कि मेलियस काम करता है, इसके अलावा इनकस जो होता है ये दोनों आपस में टकरा रहे होते हैं, और इसके बाद स्टेप्स होती है वो छोटी हड्डी जो आगे चल के हिट करती है और जिससे आगे जो साउंड है वो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में बदलती है। इसके अलावा जो इनर पार्ट है ये कोकलिया है, कोकलिया और जो स्टेप्स हैं ये स्टेप्स हिट करके कोकलिया को महर्रिक करता है, हरकत देता है, और जब ये हिटिंग के बाद आवाज़ एक पैदा होती है तो ऑडिटरी नर्व के थ्रू मैसेज जो है वो दिमाग तक पहुंचता है। अच्छा, ये सुनने का अमल काम कैसे करता है। जब हमने पार्ट्स से थोड़ी सी हमें इंट्रोडक्शन हो चुका है कि कान के हिस्से 3 हैं, एक आउटर ईयर है, मिडल ईयर है और इनर ईयर है,
और हमने आउटर ईयर का देखा कि आवाज़ कैसे ईयर कैनल से होती हुई जाके ईयर ड्रम को हिट करती है, और ईयर ड्रम जो है आगे हिट करता है मेलियस को, मेलियस हिट करता है इनकस को, इनकस टेप्स को एक्टिव करता है, और स्टेप जो है वो कोकलिया को जो है हिट करती है, और उसमें एक साउंड पैदा होने का प्रोसेस जो है ऑडिटरी नर्व के थ्रू दिमाग तक मैसेज जाता है। तो ये हमने मुख्तलिफ पार्ट्स को तो अब समझ लिया, अब इसकी फंक्शनिंग जो मैंने आपको उर्दू में बता भी दी, एक दफ़ा पढ़ भी लेते हैं अगर आपको राइटिंग में लेके जाना पड़े तो कैसे आप इसको कवर करेंगे। द एनाटॉमी ऑफ आवर हियरिंग और ऑडिटरी सिस्टम इज़ एक्सट्रीमली कम्प्लेक्स बट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, वन बीइंग कॉल्ड पेरिफेरल एंड द अदर सेंट्रल, यानी कि एक बाहर वाला हिस्सा एक और सेंट्रल। द पेरिफेरल हियरिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, जो पेरिफेरल जिसका कान हम कहते हैं, कान का अंदर वाला, ये जो तीन हिस्सों में हमने तकसीम किया इसको हम पेरिफेरल कहते हैं क्योंकि हमें बाहर से विजिबल होता है। कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स विच आर दी आउटर ईयर, द मिडल ईयर एंड द इनर ईयर। इसके बाद आउटर ईयर का काम क्या होता है, द आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ दी पिन्ना, जो कि बाहर वाला एक कान हमें, जहाँ से हम कान को पकड़ते हैं, तो ये पिन्ना हिस्सा है इसको कहते हैं। आल्सो कॉल्ड दी ऑरिकल, ईयर कैनल एंड ईयर ड्रम, इसके तीन आगे चल के, यानी कि पिन्ना बाहर वाला हिस्सा और ईयर कैनल जहाँ से आवाज़ जाती है, और ईयर ड्रम जहाँ पे जाके आवाज़ हिट करती है और आगे जाके वो मेलियस एक्टिव होता है। इससे नेक्स्ट जो पार्ट है वो मिडल वाला पार्ट है जिसकी तीन छोटी छोटी बोन्स होती हैं। द मिडल ईयर इज़ ए स्मॉल एयर फील्ड स्पेस कंटेनिंग थ्री टीनी बोन्स कॉल्ड दी मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स, बट कलेक्टिवली कॉल्ड दी ओसिकल्स। तो हम इसको कलेक्टिवली तीनों जो बोन्स हैं इनको, या इनर ईयर का जो पार्ट्स हैं उनको ओसिकल्स कहते हैं। द मेलियस कनेक्ट्स टू दी ईयर ड्रम, जो ईयर ड्रम है वो हिट करती है मेलियस को, लिंकिंग इट टू दी आउटर ईयर, जो आउटर ईयर के साथ यानी कि हिस्सा है वो कौन सा है, ईयर ड्रम। एंड द स्टेप्स स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी कनेक्ट्स टू द इनर ईयर, और ये जो दरमियान में दो हड्डियाँ होती हैं यानी कि ईयर ड्रम का बाहर वाले कान से हिस्सा है, अंदरूनी जो दो है जो अंदरूनी मिडल हिस्सा है उसका मेलियस और इनकस जो दोनों एक्टिव होती हैं, और वो लिंक करती हैं आगे जाके स्टेप्स करता है इनर ईयर के साथ, स्टेप्स जब हिट करता है तो स्टेप्स जो है वो उसके साथ, यानी कि ईयर ड्रम बाहर वाले कान से कनेक्ट कर रहा होता है और जो स्टेप्स है वो इनर वाले कान को कनेक्ट कर रहा होता है, दरमियानी वाले हिस्से को। और ये भी है स्टेप्स जो है स्मॉलेस्ट बोन इन दी बॉडी है कनेक्ट टू दी इनर ईयर। अच्छा दी, अब इनर ईयर की तरफ हम चले जाएँ तो वो क्या उसका स्ट्रक्चर है। द इनर ईयर हैज़ बोथ हियरिंग एंड बैलेंसिंग ऑर्गन्स, इसके सुनता भी है और यानी कि बैलेंस में रखने का भी एक अमल होता है। द हियरिंग पार्ट ऑफ द इनर ईयर एंड इज कॉल्ड द कोकलिया विच कम्स फ्राम द ग्रीक वर्ड फॉर द स्नेल, क्योंकि ये ग्रीक वर्ड से है और इसका मतलब होता है, एक होते हैं ना जब आप सहरा सॉरी जाएँ उस पर जो होता है शोर पे साहिल पे, तो स्नेल आपको नज़र आते हैं जिसको हम को कहते हैं घूंघे से, घूंघे होते हैं वो सलवट वाले अंदर की तरफ वो मुड़े हुए होते हैं, तो इसकी शक्ल चूँकि घूंघे जैसी है तो इसलिए इसको स्नेल कहते हैं, और स्नेल ये जो ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है। बिकॉज ऑफ इट्स डिस्टिंक्टिव कॉयल्ड शेप, इसकी शेप ही ऐसी है। द कोकलिया विच कंटेन्स मैनी थाउजेंड्स ऑफ सेंसरी सेल्स, इसके मैनी थाउजेंड इसके जो है सेंस करने वाले सेल होते हैं जिनको हम हेयर सेल्स कहते हैं, इन छोटे छोटे सेल्स को हेयर सेल कहा जाता है। इज़ कनेक्टेड टू द सेंट्रल हियरिंग सिस्टम बाई द हियरिंग और ऑडिटरी नर्व। द कोकलिया इज फिल्ड विद स्पेशल फ्लूड विच आर इम्पॉर्टेंट टू द प्रोसेसिंग ऑफ हियरिंग, तो ये जो फ्लूड होता है और जो हियरिंग हेयर जो होते हैं, हेयर सेल्स होते हैं, ये जो लिसनिंग का जो प्रोसेस है या हियरिंग का जो प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये अल्टीमेटली मैंने फिर एक दफ़ा इस पिक्चर को एंड पे ऐड किया ताकि आप इसको समझ सकें। ये देखें, ये हमारा आउटर ईयर होता है, और ये देखें ईयर कैनल से होते हुए ईयर ड्रम होता है, ईयर ड्रम जब फड़फड़ाता है तो मेलियस एक्टिव होती है, मेलियस हिट करती है इनकस को, और इनकस जो आगे इसको हिट करती है स्टेप्स को, स्टेप्स इसको एक्टिव करता है जो कि कोकलिया है। तो इस तरीके से ये हमारा जो है जो साउंड एनर्जी है वो मैकेनिकल में यहाँ पे बदलती है, और मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हुए नर्व्स के थ्रू ये पैगाम दिमाग तक चला जाता है, और इस तरीके से लिसनिंग का प्रोसेस कम्प्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।